कैटरिंग लगने के बावजूद भी एक भाई साहब जो है देखिए बीच में चले गए हैं, देख सकते हैं किस प्रकार खतरा मोल जो है ले रहे हैं। मत दीजिए पानी, अरे पानी मत दीजिए, पानी मत दीजिए, पानी ये देख सकते हैं। ओ भाई साहब, ओ आप लोग क्यों अंदर जा रहे हैं, ये बात बताइए आप लोग क्यों अंदर जा रहे हैं। और देख सकते हैं महादेव के भक्त जो है वो किस प्रकार जो है यहाँ पे देख सकते हैं, लोगों को बार बार समझाने के बावजूद भी लोग बैरिकेटिंग के जो है किस प्रकार बाहर चले आते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं महादेवपुर घाट में, और यह महादेवपुर घाट भागलपुर के जस्ट बगल में पड़ता है, और यहाँ से लोग जल उठाते हैं, और यहाँ से जल उठाने के बाद बाबा की नगरी सिंहेश्वर में जा करके जल चढ़ाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बैरिकेटिंग लगा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग जो है बैरिकेटिंग से बाहर होकर के किस प्रकार इंजॉय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बोल बम के नारे लगा रहे हैं। चलिए आपको मैं दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ किस प्रकार जो है लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्नान कर रहे हैं, और स्नान उधर लेके चलो। ये देख सकते हैं, ये मेरा जो है पहला कहीं ना कहीं पहला एक्सपीरियंस है, और पहला एक्सपीरियंस में जो बड़ा डर भी लग रहा है। हाँ कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं। अरे तुम लोग के पास आती नहीं है वो जो मतलब बांस लेके जो वो करता है, ये देख सकते हैं। सीधा लेके चलो। चलिए वहाँ पे देख सकते हैं, चलिए वहाँ पे कुछ भाई बंधु है, ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है वो स्नान कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात यही है कि इतने श्रद्धालु यहाँ पर आने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी मतलब कि एक जो व्यवस्था होता है प्रॉपर तरीके से, एक तो होती प्रशासनिक जो व्यवस्था होता है, यहाँ पे कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। काफ़ी वर्षों से जो है यहाँ पे महादेवपुर घाट में जो है श्रद्धालु आते हैं और यहाँ से जल उठाते हैं, और देव की नगरी सिंहेश्वर में जाके वो कहीं ना कहीं जल चढ़ाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सिंहेश्वर में ही जाके जल चढ़ाते हैं, बहुत ऐसे देवस्थल है, देवभूमि है, वहाँ पे जाके जल चढ़ाते हैं। और देख सकते हैं किस प्रकार जो है इधर लेके चलो। भाई से हम बातचीत करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम यादव। कब से आ रहे हैं? आज आए हैं। हाँ अच्छा, आज आए हैं, इससे पहले भी कभी आते थे क्या? हाँ अच्छा, यहाँ पे जब आए यहाँ पे जैसे कि आप लोग स्नान उस्नान करते हैं, बैरिकेटिंग लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग बैरिकेटिंग के बाहर आके स्नान करते हैं? ये तो नहीं, उसके अंदर थोड़ा मतलब घुटना से भी नीचे पानी है इसीलिए। अच्छा उसके उधर मतलब बैरिकेटिंग जो लगा उसके उधर पानी नहीं है इसीलिए इधर आए। हाँ अच्छा, यहाँ पे आप आए तो मुख्य क्या क्या चीज़ की समस्या होती है, मुख्य क्या क्या चीज़ की दिक्कत होती है? दिक्कत कुछ नहीं है, बस अच्छा से पूजा कर। एक जो प्रशासन की कहीं ना कहीं जैसे कि तैनात रहते हैं यहाँ पे, है तैनात? हाँ है जी, हर जगह है, ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक, सब चीज़ ठीक है। यहाँ से जल उठाना है तो कहाँ लेके जाना है? यहाँ से सिंहेश्वर जाना है। यहाँ पे कितने लोग मिलके यहाँ पे आए हैं? हम लोग दस आदमी मिलके आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, क्या नाम बताया था? सत्यम यादव। गोलू कुमार। आप कहाँ से आए हैं? जगतपुर से आए हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है श्रद्धालु जो है वो कहीं ना कहीं दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। श्रद्धालु के जो है यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, ऐसा बात नहीं है कि मधेपुरा के ही लोग आए हैं, बाकी बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। चलिए और भी एक दो लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं? मधेपुरा जिला से। अच्छा, कब आए हैं? 9 बजे के। 9 बजे। अच्छा, कितने लोग मिल के आए हैं? 30-35 लोग हैं। 30-35 लोग हैं जी। अच्छा, 30-35 लोग मिल करके आए हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी चीज़ की असुविधा भी होती है क्या? अच्छा, आप लोग बैरिकेटिंग के बाहर आके स्नान कर रहे हैं? हर महादेव। बैरिकेटिंग के बाहर जैसे कि एक जो एक दायरा होता है यहाँ पे, मान लीजिए आप लोग इधर चले जाइएगा डूब जाइएगा तो फिर कितना दिक्कत होगा, ये समझ रहे हैं? हम सब उतना अंदर नहीं जाते हैं, हम सब साइड में ही नहा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शंभू कुमार। किस उद्देश्य से आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे ऐसे सावन का हम सब गछते हैं। अच्छा, अक्सर लोग जो है यहीं पे महादेवपुर घाट ही आते हैं क्या? नहीं, हर एक जगह जाता है, जिसको जहाँ खुशी मिलता है वहाँ जाता है। कहाँ जाते हैं अक्सर? अक्सर लोग जाता है जैसे कि बाबा धाम हुआ, बासुकीनाथ, हम सब यहाँ से जल भर के चलते हैं। बर्नेश्वर, हम सब बिहारीगंज प्रखंड से हैं। हाँ, सिंहेश्वर में जाके जल चढ़ाना? सिंहेश्वर बर्नेश्वर दोनों जगह चढ़ा। बोल बम से आए कि डाक बम, किस तरह से? ऐसे हम सब जंडल बम आए हैं, बाइक से आए हैं। और बहुत मैं एक चीज़ खास बात बता देना चाहता हूँ
यहाँ पे जैसे कि श्रद्धालु आते हैं और डाक बम भी यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जहाँ पे जल चढ़ाते हैं देव की बाबा की नगरी सिंहेश्वर स्थान में, और यहाँ से समथिंग 105 किलोमीटर है और 105 किलोमीटर की कहीं कहीं दूरी ये देख सकते हैं। ओ भाई साहब, ओ आप लोग क्यों अंदर जा रहे हैं ये बात बताइए, आप लोग क्यों अंदर जा रहे हैं? अरे गलती बात है ना, ये बात बताइए, आप लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे क्षति पहुँचेगा तो किसका जिम्मेवारी आप लोग ठहराइएगा, ये बात बताइए। हाँ आप लोग अंदर चल के रहिए ना, जब बैरिकेडिंग लगा दिया गया है कि आप लोग बैरिकेडिंग से आप लोग बाहर नहीं आइएगा तो आप लोग फिर भी बात नहीं मानते हैं, नुकसान पहुंच जाएगा तो फिर बोलिएगा कि नुकसान पहुंच गया लापरवाही से, इसके जिम्मेवार कौन होगा ये बात? चलिए आप लोग अंदर चलिए ना, आप लोग अंदर चलिए। अरे नहीं समझे, दिक्कत होता है ना भाई, एक आदमी के चलते देखा देखी में यहाँ से लेके वहाँ तक जो है, यहाँ से लेके वहाँ तक जो है एकदम अथी किए हुए हैं, नहीं समझे। कम पानी में स्नान की जगह ज़्यादा सुरक्षित रहिएगा ना, ज़्यादा पानी में रहिएगा तो फिर दिक्कत होता है अगला आदमी को भी, नहीं समझे। पैर स्लिप कर गया, चले गए अंदर, तब क्या करेगा? मान लीजिए कोई इंसान बचाते बचाते नहीं बचेगा, बैरिकेडिंग के अंदर चलिए ना, बैरिकेडिंग के अंदर चलिए ना। अरे सुरक्षित रहिए ना, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुद को इधर इधर दिखाइएगा मिस्टर, आप खड़ा हो जाइए, दोनों हाथ से पकड़ो, उधर लाठी उठी चला देगा। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों को बार बार समझाने के बावजूद भी लोग बैरिकेडिंग के जो है किस प्रकार बाहर चले आते हैं, यही कहीं ना कहीं श्रद्धालु में कमी है और इस प्रकार नहीं करना चाहिए। मान लीजिए नुकसान पहुँच जाएगा, क्षति पहुँच जाएगा तो आप ही लोग को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा, झेलना तो आप ही लोग को पड़ेगा। और बिहार का सिस्टम कैसा है आपको पता ही है, यहाँ पे इतना श्रद्धालु आते हैं हजारों की संख्या में, एक ही नाव दिया गया है यहाँ पे, तो एक ही नाव नज़र आ रहा है, कोई नाव भी है भी नहीं, कोई आते आते आएंगे तब तक आप लोग चले जाइएगा अंदर, आप लोग बैरिकेडिंग के अंदर रहिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग स्नान कीजिए चाहे पूजा पाठ जो भी करना है अपना बैरिकेडिंग के अंदर कीजिए। ये देख सकते हैं श्रद्धालु को बार बार मना करने के बावजूद भी किस प्रकार जो है वो बात नहीं मानते हैं, उधर फोकस करो ना यार, सीधा देखो किस तरह जो है वो देख सकते हैं किस प्रकार जो है बैरिकेडिंग के बाहर, एकदम बैरिकेडिंग के बाहर है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि हम डूबेंगे, हमें खतरा भी है कहीं ना कहीं जान पे खेल करके, किस प्रकार ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है जान का एकदम जो है वो कहीं ना कहीं जिंदगी से एकदम खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार जो है एकदम कोई अरे आप लोग बैरिकेडिंग अरे पानी मत दीजिए, अरे आप लोग बैरिकेडिंग के अंदर रहिए ना, आप लोग ओ भैया आप लोग अंदर रहिए ना, आप लोग थोड़ा सा अंदर रहिए ना, सुरक्षित रहिए ना, सुरक्षित रहेगा तो परिवार भी सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। देख सकते हैं बार बार समझाने के बावजूद भी इधर दिखाइएगा, ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है बैरिकेडिंग से कोई मतलब नहीं है, बैरिकेडिंग से कोई मतलब नहीं, उधर दिखाइएगा, बैरिकेडिंग से कोई मतलब कि नहीं है किस प्रकार जो है, उधर उधर चले दीजिए, उधर चले दीजिए, चलिए उधर उधर चलिए। यहाँ पे देख सकते हैं हो गया, हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, अंदर ही रहिए, बाहर मत आइए। कहाँ से आए हैं? सोनवर्षा से आए हैं। कितने लोग मिल के आए हैं? 12 लोग मिल के आए हैं। आप लोग बैरिकेडिंग के अंदर रहिए ना थोड़ा बहुत। हाँ ये देख सकते हैं भाई जो है वो बोल रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया। ये देख सकते हैं, हालांकि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, आप देख रहे थे प्रमुख घाट रविकांत शर्मा, संदेश देना चाहता हूँ, आप लोग आते हैं महादेवपुर घाट या आज कहीं भी जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए या नदी में स्नान करने के लिए या गंगा स्नान आते हैं, तो कम से कम आप अपना जो है बैरिकेडिंग के अंदर रहे और कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे और परिवार को जो है सुरक्षित रखे। और देख सकते हैं महादेव के भक्त जो है वो किस प्रकार जो है, चलिए मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।